बीजेपी सरकार में जिस तरह से मीडिया को खरीदा गया है उसके बावजूद आप लोग यहाँ पे आए हैं। अमित शाह है ना, उसका बेटा बीसीसीआई का सचिव बन गया है और सचिन तेंदुलकर बेचारा बैठा हुआ है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त आज मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर लगातार जिस तरीके से बीजेपी की नीतियाँ जो लाई जाती हैं उनका विरोध प्रदर्शन हमेशा किया जाता है, कभी पेंशन को लेकर तो कभी वर्कर्स को लेकर, कभी बेरोजगारी को लेकर। तो यहाँ पर लगातार जो है इस तरीके का प्रदर्शन किया ही जा रहा है। तो अभी इन्हीं लोगों से पहले जान लेते हैं क्या कुछ समस्याएं लेकर ये लोग आए हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है, सबसे पहले आप नाम बताइए। अवनीश कुमार मिश्रा। अवनीश कुमार मिश्रा जी, तो मिश्रा जी क्या प्रॉब्लम आ गई, कैसी दिक्कतें आ गई कि आपको यहाँ पर प्रदर्शन करने आना पड़ा और इतनी तादाद में आना पड़ा। मैडम, मैं सबसे पहले तो आप मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये इस बीजेपी सरकार में जिस तरह से मीडिया को खरीदा गया है उसके बावजूद आप लोग यहाँ पे आए हैं और हमारे जो कर्मचारियों की आवाज़ को पहुँचाने काम कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और रही बात हमारे मुद्दों को, हमारी मुद्दा मैडम एकमात्र मुद्दा है कि हमें पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। और पुरानी पेंशन क्यों बहाल किया जाए इसके बारे में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो आपको बताना चाहूँगा मैडम, 1/1/2004 के बाद इस देश के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी आए हैं उन सबका पुरानी पेंशन समाप्त कर दिया जाएगा है। और एक नई पेंशन जो एनपीएस नाम का एक राक्षस रूपी जो है ना नीति, वो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिया गया है। राक्षस नीति कैसे हो गई है, राक्षस रूपी के वो क्यों हो गई है, आपके लिए अच्छे भले के लिए काम किया जा रहा है। मैडम मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर आपके पापा बोले बेटा चलो मार्केट मैं आपको कपड़े खरीद के देता हूँ और वो कपड़े फटा हुआ निकले तो आप क्या उसकी तारीफ करोगे, आप उसको पहनोगे। नीति फटी हुई निकल गई। बिल्कुल नीति फटी हुई निकल गई है। क्यों होता है कि हमेशा भाजपा सरकार हमेशा आपके लिए अच्छे के लिए काम करती है, हमेशा आप उनकी नीतियों की विरोध करते हैं। मैं हमेशा उसकी नीतियों की विरोध नहीं करता हूँ। हाँ। जो नीति उसका गलत है मैं उसका विरोध करता हूँ, और जब तक प्रमाण नहीं मिलता है तब तक हम उसका इंतजार करते हैं। आज 1/1/2004 के बाद आज 17 साल हो गया है इस देश के अंदर में एनपीएस लागू हो करके। तो 2004 में किसकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। हाँ। उसके बाद ये जब मुद्दा लाया हार गए भाई साहब, हरा दिया उसको हम लोगों ने, खत्म हो गए देश से। उसके बाद दोबारा आया वो, और दोबारा जब आया तो मेरा मांग है तुमने जो गलती किया है उसको सुधारोगे तुम ही। उन्होंने एनपीएस लाया था, एनपीएस को विड्रॉल तुम ही करोगे, ये हमारी उनसे मांग है। पीछे पड़े हुए हैं आप, मतलब हमेशा अच्छा काम करती है, एनपीएस लाती है, कभी ऐसे ऐसे जब भी सरकार ऐसी नीतियां लाती है आखिर विरोध क्यों होने लग जाता है। मैडम क्योंकि वो नीतियां जो है ना, वो जो नीतियां मैडम मैं आपको बताता हूँ कि जो एनपीएस नीति है उसके बारे में आपको डिफाइन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। एक ही डेट को एक पुरानी पेंशन में कार्यरत कर्मचारी रिटायर होता है और एक एनपीएस में कार्यरत कर्मचारी रिटायर होता है, दोनों के पेंशन में तुलना करेंगे आप तो आपको सर दिमाग समझ आएगा कि ये क्या है। जो ओपीएस में आता है उनको 30,000 पेंशन है, जो एनपीएस में आता है उसको 1500 रुपये पेंशन है। तो बताइए हम विरोध नहीं करें उसका, बस यही एक वजह इसका हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन वोट देने वाले भी तो आप ही लोग युवा होते हैं सबसे आगे। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब मार्केट में कोई नई चीज आती है ना वो लुभावना होता है, जब लुभावनी चीजें लोगों को आकर्षित करता है तो हम लोगों ने आकर्षित करके लोगों ने गलती किया, हमने उसे मौका दिया। लुभावनी चीजों पे जाते हैं तभी तो आपको लुभावना दिया। देखिए गलती इंसानों से होती है ना, हमने गलती किया उसका पश्चाताप कर रहे हैं, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। पश्चाताप करेंगे मैडम, कर रहे हैं ना। आज हमारी शिक्षा का स्तर खत्म हो गया है। आज देश के अंदर में अगर किसी माँ बाप अगर बच्चे को पढ़ाते हैं उसका एकमात्र मकसद होता है कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी करे ताकि उसकी सामाजिक सिक्योरिटी वो लगातार जिंदा रहे। और आज देश के अंदर में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला दो ही क्षेत्र था, एक रेलवे और एक डिफेंस, वो दोनों को कॉर्पोरेट कर दिया गया। अब दोनों में बहालियां बंद हो गई है, जब दोनों में बहाली बंद हो गई है तो ये बताइए सरकारी नौकरी की उम्मीद खत्म हो गई है। जब सरकारी नौकरी की उम्मीद खत्म हो गई, नौकरियों में कहते हैं ना कि सरकारी नौकरियों में आप लोग बहुत आराम फरमाते हैं, आप काम नहीं करते। मैं ये सुनना चाह रहा था कि आप बोले, आपने देखे कोरोना काल में
तमाम सरकार जो प्राइवेट हॉस्पिटल है सब बंद हो गया था, तमाम प्राइवेट बस बंद हो गई थी, तमाम प्राइवेट व्हीकल बंद हो गया था, लेकिन सरकारी रेल, सरकारी कर्मचारी, सरकारी हॉस्पिटल सब चालू था, तो फिर आराम कैसे कर रहे थे ये बताइए आप। बोलते हैं ना ऐसा, बोलते हैं मैडम, बोलने मैडम बोलने का तो मैं बोल दूंगा कि आप 12 फीट का हो, क्या 12 फीट का हो जाओगी? नहीं ना। तो मैडम बोलने वाले को हम बंद नहीं कर सकते हैं, अभिव्यक्ता की आज़ादी होती है बोलना, बोले वो, लेकिन हमें, हमारे लिए जो उसने लागू किया है अगर हमें पसंद नहीं है तो हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं आप लोग, हिंदू राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र में है क्या जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, जब ये सारा कुछ प्राइवेट वगैरह टाइट कर दिया इतना? नहीं नहीं, ये सारा प्राइवेट करना जो हमारे सर ने बताया है। मैडम नेपाल हिंदू राष्ट्र है ना, क्या क्या वो पूरा सीना है? और ये देखिए ना कि इतना जो भारत भारत को मानने वाले देशों को नीचे झुका दिया। मैडम अगर 56 इंच का सीना है तो आर्मी में जाए ना, एक भी बीजेपी सांसद, एक भी विधायक का बेटा के सेना में है? 56 इंच का सीना लेने का मतलब नहीं होता है कि देश घर के अंदर बैठे रहो, जाओ सेना में। आप अग्निवीर ला दिए हो, आप अग्निवीर ला दिए हो, 4 साल के बाद उस अग्निवीर का जो कर्मचारी, वो सैनिक है ना, उसके पास शस्त्र लाने का अनुभव रहेगा, उसके पास पूरा मीडिया, पूरा जो टेक्निकोलॉजी सब मालूम रहेगा, और 4 साल में जो वो बेरोजगार हो जाएगा तो वो क्रिमिनल नहीं बनेगा तो क्या देशभक्त बनेगा बताइए? बेरोजगार होगा, बीजेपी नेता बोल रहे हैं हम उसको सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे, चौकीदार बनाएंगे, है ना? वो चौकीदार मतलब कि हमने एजुकेशन प्राप्त किया है चौकीदार बनने के लिए, अरे हमारे पास डिग्रियां है, आज MBA चाय वाली बन रही है, ग्रेजुएट चाय वाली बन रही है और चाय वाला PM बन रहा है। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो आज चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता, और आज राजतंत्र आने के वजह से हमारा जो चाय, ये जो अमित शाह है ना, उसका बेटा BCCI का सचिव बन गया है, और सचिन तेंदुलकर बेचारा बैठा हुआ है, सौरभ गांगुली को अध्यक्ष बना दिया, ठीक है, अनिल कुंबले को बनाया, भाई जिसको जिस क्षेत्र का नॉलेज है उसको उस क्षेत्र में भेजो ना, तुम उसको क्यों वहाँ भेज रहे हो ये बताइए? देश के अंदर आने वाली थी लेकिन दोबारा उन्हें बना दिया गया, अमित शाह के बेटे क्यों बना दिया? अच्छा रिटायरमेंट आने वाली थी तो भैया मैडम मैं यही कहना चाहता हूँ, राज बदल जाता है ना उनका बेटा। देखिए राजतंत्र को छोड़ के हम लोकतंत्र में आए हैं, और फिर से बीजेपी सरकार हमें राजतंत्र की ओर धकेलना चाहती है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। क्या अच्छा काम नहीं कर रही है सरकार बताइए जरा। एक मिनट मैडम, मैं आपने नोटबंदी देखा? आपने नोटबंदी भी देखे हो? आप कोई भी मुद्दा देख लो, क्यों नहीं पूछने आप NPS के धरने पे? दूसरा क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? NPS पे अगर मैं पूछ रही हूँ, मैं NPS पे भी पूछ रही हूँ, सरकार के विरोध ही कर रहे हैं। हाँ आप सरकार का विरोध ही कर रहे हैं, सवाल करिए, सरकार का ही तो विरोध कर रहे हैं कि किसी मेरा विरोध करने आए हैं? हम किसी वन मिनट हम किसी सरकार का ही सवाल नहीं करूंगी, आम जनता से करिए। आम मैं सरकार का विरोध उस सरकार का कर रहा हूँ जो NPS का, कौन सी सरकार ला रही है, चाहे जो भी हो, चाहे वो उस देश में कोई भी हो। मैंने पहले ही बोला मैं किसी भी सरकार का विरोधी नहीं हूँ, मैं सरकार के नीतियों के विरोध में काम कर रहा हूँ। मैं नीतियों की बात नहीं कर रही हूँ। आप सवाल एक एक करिए, मैं भी जवाब देता हूँ, एक ही से मत करिए। आपके पास भी मैं आऊंगी, पहले उनकी उनकी बात तो सुन लीजिए। अरे तो सुनिए ना, आपको मना क्यों भड़क रहे हैं ये बताइए? भड़कने वाली बात नहीं है, नीतियों का अगर वो विरोध कर रहे हैं आप लोग क्यों भड़क वो कर रहे हैं? आप सर से बात करिए, प्रदर्शन करने आए या फिर एजेंडे के? नहीं नहीं, जो है अपना जो हक वो मानने के लिए आए हैं। मैंने क्या सवाल किया आप बताइए? आपने ये जो मैं आया हूँ केवल NPS रद्द करो, OPS को चालू करो। तो मैं उनसे क्या सवाल कर रही हूँ? जो भाई नीतियाँ हैं तो वो गिनाएंगे नहीं? ये है EFI, आप दूसरे को क्यों रोक रहे हैं? आपके पास भी मैं आऊंगी। हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं। तो साथ में है तो मैं पूछ रही हूँ। आप जो बोल रहे हैं मैडम, आज जो हमारा ये विशाल धरना हुआ है ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से, सबसे बड़ा 1 जनवरी 2004 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं बात कर चुकी हूँ, धरना क्यों हो रहा है वही मैं पूछ रही हूँ। धरना के बारे में ही बता रहा हूँ। NPS नई पेंशन योजना जो 1 जनवरी 2004 से लागू की गई थी, ये केंद्र सरकार के द्वारा जो जारी की गई योजना, लागू की गई है, ये हमारे युवा साथियों के लिए बहुत शोषणकारी योजना है, क्योंकि ये जो पेंशन है ये शोषण इसलिए हो रहा है कि पेंशन जो होती है वो हमारे बुढ़ापे का सहारा होता है, और 2004 के बाद में जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनके लिए कोई गारंटी पेंशन योजना नहीं है। अगर हम 30 साल 35 साल नौकरी करने के बाद में जब सेवानिवृत्त होते हैं तो आज हमारे कर्मचारियों को 1,500 रुपये पेंशन दी जाती है, जबकि हम लोग 1,000 डिग्री टेम्परेचर में एक से खतरनाक हथियार तैयार करते हैं देश की रक्षा के लिए, और
हमारे देश के विधायक सांसद यदि एक बार भी शपथ ग्रहण कर लेते हैं तो उनको पूरे जीवन पेंशन मिलती है, और एक बार दो बार तीन बार इनको हर बार पेंशन मिलती है। और सरकार ऐसा क्या सोच ली है कि हमारे 35 साल 40 साल नौकरी करने के बाद में कर्मचारी को पेंशन नहीं दी जाएगी? ये शोषण नहीं है तो क्या यही है? यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि सरकार ने कुछ सोचकर ही ये खत्म किया हो गया? बिल्कुल, सरकार ये कुठाराघात किए कर्मचारियों के ऊपर, ये अन्याय है कर्मचारियों के ऊपर। उसने सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा है, बिना थोप दिया है, बिना सोचे सरकार कदम उठा ले रही है। सरकार बिना सोचे समझे, बिना हमारे महासंघों से बात किए हुए, सरकार का ये स्वयं का अपना खुद का एक तानाशाही निर्णय है। अच्छा निर्णय लिया हो लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, जैसे वो किसानों को नहीं समझा पा रहे। तो आज हमारा जो सरकार ने अच्छा सोचा है वो परिणाम हमारे सामने है ना। हमारे कर्मचारी जो आज 15 साल 18 साल हो गए हैं, 2004 के बाद में 2022 चल रहा है, 2022 के बीच में हमारे कई कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनके परिणाम सामने आ रहे हैं। 1500 2000 वो देख लीजिए सामने प्रमाण। ये है, एक मिनट, ये हमारी अवार्डी फैक्ट्री से, ये एक मिनट कैमरे में, ये हमारी अवार्डी फैक्ट्री से जो सेवानिवृत्त हुए हैं, देखिए ये 13 वर्ष 5 माह 1 दिन की नौकरी करने के बाद में इनको एनपीएस के तहत 2417 रुपए पेंशन दी जा रही है। अगर यही ओल्ड पेंशन में होते तो इनको 15250 रुपए पेंशन मिलती। हमारे एक कर्मचारी के भास्कर राव अवार्डी फैक्ट्री से रिटायरमेंट हुए, इनका बेसिक था 34300 रुपए। जो एनपीएस 15 वर्ष 6 माह 16 दिन नौकरी करने के बाद में एनपीएस के तहत उन्हें 2506 रुपए पेंशन मिल रही है एनपीएस योजना के तहत। अगर यही वो ओल्ड पेंशन में होते तो 17150 रुपए उनको पेंशन मिलती। ये फर्क है, ये रिजल्ट है सरकार की योजना का। इसलिए आज हम लड़ रहे हैं, इसलिए आज हम इस धरने पे बैठे हैं। आज हम मैं अच्छा क्यों बताऊंगी, आप बताइए, मैं तो निष्पक्ष कर रहा हूं। अब आप मेरे से सवाल जो करना है एक मैं अच्छा क्यों बताऊंगी, आप अगर विरोध कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी ना विरोध कर रहे हैं। मैडम इसी दिल्ली में आज हम लोग जो ये लाल झंडे की सेना बैठी हुई है, इसी दिल्ली में किसान मोर्चा भी आया था, सरकार ने थोपा था उनके ऊपर कानून, लेकिन हमारे किसानों ने ऐसा धरना दिया कि किसान को मानना पड़ा। आज हम केंद्र सरकार को चिताना चाहते हैं इस जंतर मंत्र के मध्य स्थान से कि सरकार चेत जाए, और नहीं तो आने वाले समय दे रहे हैं सरकार को। बिल्कुल सरकार को, सरकार पीछे नहीं हटी, नहीं मानी तो क्या कुछ करेंगे? तो और बृहद रूप में हम लोग कुछ करेंगे सरकार को चिताने के लिए, जगाने के लिए कि हमारी इस बात को माना जाए, जैसे किसानों ने किया। किसानों ने अपनी बात मनवाया ना, किसान की बात भी नहीं मान रही थी। आज वो बारिश में बैठे लगातार बॉर्डरों पर बैठे, हम लोग भी करेंगे वही। अगर सरकार नहीं मानी तो ये जो निगमीकरण कर रही है, जो नई पेंशन योजना लागू कर रही है, देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, अग्निवीर आयुधवीर ये सब भर्तियां कर रही है। 4 साल में अग्निवीर, अच्छी योजनाएं बताया जा रहा है सरकार द्वारा। अग्निवीर 4 साल में, 4 साल ट्रेनिंग करते करते फौजी नहीं बन पाता है, सैनिक नहीं बन पाता। एनईपी लाया है तो उसकी भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटियां बताई जा रही है। एनईपी न्यू शिक्षा नीति जो आई, अग्निवीर आई, अब आयुधवीर में भर्ती हो रही है, ये सब इन सब चीजों को देखने के लिए अब आप खुद गणना कर सकते हैं, मन में सोच सकते हैं, देश की जनता आकलन कर सकती है कि हमारे कितने फौजी सैनिक तैयार किए जाएंगे 4 साल में। 4 साल के बाद में ठीक है, 4 साल आप काम करवाएंगे, 4 साल के बाद क्या गारंटी दे रही सरकार उनको? रिटायरमेंट के बाद कोई पैसा नहीं, कोई पेंशन नहीं, कहाँ जाएगा वो फौजी? पकौड़ा तलेगा, 17 साल की उम्र में आएगा, 19 साल की 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा, क्या करेगा वो? तो सरकार को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए ना, उन युवा साथियों के बारे में। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पहले से तय कर रखी है, कहीं कोई गारंटी नहीं है, कहाँ है सरकार लिखित में दिए? भाजपा बोलती, सरकार लिखित में दिए, नेता बोलते हैं, नेता तो कुछ भी बोलते हैं, नेता तो बहुत कुछ बोलते हैं, नेता तो देश के प्रधानमंत्री बोलते रहे 15 लाख रुपए मिलेगा, क्या मिला? गुजारिश ये है कि एनपीएस को सरकार इतने फायदेमंद बता रही है, जितने भी सांसद विधायक हैं वहीं से शुरुआत की जाए, सबसे पहले वहीं पे लागू की जाए। हम कर्मचारियों के ऊपर जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? हमारा सरकार से निवेदन है कि एनपीएस को यदि फायदेमंद बताया जा रहा है तो पहले सबसे पहले संस्थों विधायकों पर लागू करें आप। और एनपीएस हमें नहीं चाहिए ना, नेता लोग अपनी ले लें, सांसद विधायक को दे दो एनपीएस, हमको दे दो ओपीएस। अगर इतनी अच्छी है तो हम सारे फायदे विधायक को सांसद को देना चाहिए। इतनी तादाद में आप लोग यहाँ पर आए हैं, अगर नहीं पीछे हटती है तो फिर क्या कुछ रहेगा आपका, क्या कुछ करेंगे? हाँ, आगे हमारा महासंघ जो निर्णय लेगा वो हम लोग करेंगे। हमारा महासंघ ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन राष्ट्रीय महासंघ है जो लगातार लगभग 50-60 सालों से लड़ता आ रहा है, और इस सरकार ने ये तो 2014 के बाद आई है, सन 1954 से हम लोग लड़ रहे हैं, और कई सरकारें आईं और गईं, और कई सरकारों से हम लोगों ने अपनी मांगे मंगवाई है।
जैसे अनुकंपा नियुक्ति, वेतन आयोग और बहुत सारी लड़ाइयां लड़े हैं रक्षा संस्थानों में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं इतनी तादाद में जो लोग जुटे हैं, वो पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी इन्हीं लोगों से मैंने पूछा कि क्या अगर सरकार पीछे इस बिल को लेकर या फिर इस नीतियों को लेकर पीछे नहीं हटी तो क्या कुछ करेंगे, तो वो कहते हैं कि भाई उनका संघ जो भी निर्णय लेगा और बृहद रूप में ये लोग प्रदर्शन करेंगे, जैसे किसान अड़ गए थे वैसे ही ये भी इन नीतियों को लेकर अड़ जाएंगे। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर।